अस्सलाम वालेकुम, मेरे YouTube चैनल पर मेरे प्यार को खुश आमदीद। आज मैंने मछली का पुलाव बनाया था, उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने सारे मसाले निकाल के रख दिए, मैंने इमली घोल के रख दी थी। ये सारे मसाले मैं पीस के मेरी करके मछली को रख दूँगी आधे घंटे के लिए। जो मसाले मैंने दिखाए, अदरक लहसुन और हरा धनिया, हरी मिर्चें और ये सारे मसाले इमली में डाल के मैंने रख दिए। ये मैंने प्याज को भून रही हूँ, इसको प्याज के भून के फिर मैं इसमें मसाले खड़े मसाले ऐड करूँगी। इसमें दालचीनी, काली मिर्च, लौंग और बड़ी इलायची है। ये मैंने मसाले डाले जो मछली को भी लगेंगे और चावल में भी आ जाएंगे। इसमें धनिया का पाउडर है और ये मिर्चों का पाउडर है और थोड़ी हल्दी है और नमक है। ये मैंने टमाटर का पेस्ट डाला है, इसको अच्छी तरह से भुनाई करके फिर मैं इसमें मछली ऐड करूँगी। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेहरबानी होगी। ये मैं भुनाई करूँ। अब मछली जो मैंने मैरिनेट करके रख दी थी, ये मैंने इसमें डाल दिया। मछली को आस्ता से हिलाना है क्योंकि ये टूट जाती है। ये साबुत रहेगी तो पुलाव में अच्छी लगेगी। ये मछली मेरी पक जाएगी तो मैं इसको प्लेट में निकाल के रख दूँगी। ये देखें, अब मेरी मछली बन गई है। आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनेगी। ये फिर मैंने निकाल के प्लेट में रख दी थी, इसमें मैं पानी डाल के चावल डालूँगी जो मैंने भिगो कर रख दिए थे। ये मैंने डाल दी, अब मैं इसमें चावल डालूँगी। आप अपने हिसाब से नमक डालें जो जितना आपको पसंद आए। ये देखें, मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। मैं कभी आपको अपनी ज़िंदगी की सारी स्टोरी बताऊँगी, मुझे क्या बीमारी थी। इंशाल्लाह मैं जल्दी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने मछली ऊपर दम लगा के चावल पे मछली डाल दी है। ये देखें, अब ऊपर हरा मसाला डालूँगी। इसको 10 मिनट के लिए मैं दम पे रख दूँगी, फिर मैं प्लेट में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। दम आ गया था, मछली निकाल के मैंने प्लेट में अलग रख दी है। अब मैं प्लेट में निकाल के आपको दिखाऊंगी। आस्ता आस्ता निकालना है क्योंकि मछली टूट जाती है जल्दी। ये पीस भी अच्छे लगते हैं। ये मछली मैंने प्लेट में निकाल दी है, पूरी प्लेटिंग की है। आप देखें, मुझे सपोर्ट करें, शुक्रिया।